हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडोस अटैक के बारे में, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से भी जानते हो। ये एक साइबर अटैक है किसी भी सर्वर या नेटवर्क, फेसबुक पेज, वेबसाइट पर किया जाता है। और ये एक नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मल ऑपरेशन जो कर रहा होता है वेबसाइट, उसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट भेज के या उस पर ट्रैफिक इतने डाल के कि उसका जो सर्वर है और मेमोरी सीपीयू हीट अप हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बंद हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीडोस अटैक के बारे में बात करेंगे। डीडोस अटैक हम किसी अगर एक डिवाइस से बार बार किसी एक सर्वर या वेबसाइट को मैसेज भेजते रहें और वो वाला जो अटैक होता है उसे हम लोग डीओएस अटैक बोलते हैं, डीडोस अटैक नहीं बोलते हैं। तो डीओएस अटैक और डीडोस अटैक में फ़र्क ये है कि डीओएस अटैक में हम लोग एक ही आईपी एड्रेस, मतलब एक ही डिवाइस से हम लोग बार बार एक सिस्टम या फिर एक वेबसाइट सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि उसका जो सिस्टम है वो हीट अप हो जाए या सर्वर ब्लॉक हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक आईपी एड्रेस या एक आईपी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, उसके उस को भी हम लोग डीओएस अटैक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका जो मेन मसला है वो ये है कि अगर कोई एक कंप्यूटर या डिवाइस बार बार एक वेबसाइट को बार बार मैसेज रिक्वेस्ट भेजते रहे तो वो वाला जो वेबसाइट है उस आईपी एड्रेस को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग ने दूसरा एक मेथड को अपनाया है जिसे हम लोग डीडोस अटैक बोलते हैं, डीओएस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अच्छा, तो डीडोस अटैक जितने भी ज़्यादा इन्फेक्टेड कंप्यूटर है उसको एक ही वक्त में एक ही वेबसाइट पर लगा दिया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी अपना रिक्वेस्ट भेजते रहें और ये जो सर्वर है वो हीट अप हो जाता है, जैसे कि सीपीयू मेमोरी उसका हीट अप हो जाती है और वो सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन हो जाता है तो उस पर कोई भी शख्स आकर कोई भी सर्च करे तो उसको लोडिंग दिखाई देगा। वो कुछ भी, जैसे कि एक सर्वर डाउन हो जाता है, जैसे कि आपको कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको एरर 404 दिखाई देता है, तो उसी तरह उन यूज़र को भी यही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हैकर कैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को अपने लपेट में ले लेता है और वो एक ही वेबसाइट में एक ही वक्त में यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जवाब मैं सिंपली दे सकता हूँ कि एक मलिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से। हैकर एक मलिशियस वेब प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं और इंटरनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फैला लेते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर है वो अगर वो ईमेल या वेबसाइट पर जाकर तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जितने भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर है तो हम उसे या डिवाइसेस हैं तो हम उसे बोटनेट बोलते हैं। और इसी तरह एक हैकर बोटनेट की आर्मी बना लेते हैं, बहुत ढेर सारी इन्फेक्टेड डिवाइसेस को मिलाकर एक बहुत ढेर सारी बोटनेट को मिलाकर एक बोटनेट आर्मी बना लेते हैं। और ये आर्मी की तादाद 100 होती है, 200 भी होती है, 1000, 2000, 10000, 50000, 1 मिलियन तक भी होती है। ये डिपेंड करते हैं आप किस तरह वेबसाइट या सर्वर को आप डाउन करना चाहते हो। तो उसी तरह आपको बोटनेट की आर्मी भी चाहिए होती है। और जब जितने भी बोटनेट्स है वो हैकर के जो उसका कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसका इंतज़ार करते हैं, जब वो वहाँ पर कमांड दे देता है तो यहाँ पर बोटनेट लग जाते हैं उसके काम में। और
ये बोटनेट जो कमांड सर्वर है उसे डेट टाइम और सेकेंड्स दे देता है कि इस वक्त में इस टाइम इट्स सेकेंड्स में इस वेबसाइट पर जाना है और इतना टेराबाइट्स मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स एमबीज इसका अपने डेटा ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये लोग कर देखे हों ये इस तरह डीडोस अटैक लोग कर देखे हों डीडोस अटैक लोग इसी वजह से करते हैं कि इसका जो मार्केटर कंपटीटर मार्केटर होता है जैसे कि अमेज़ॉन हो गया अलीबाबा का वेबसाइट हो गया दराज वेबसाइट हो गया तो लोग यहाँ पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं। अगर हम सम फर्ज कर लो अमेज़ॉन का वेबसाइट डाउन हो गया अगर आपका कोई इसके मुताबिक जैसे अमेज़ॉन का एक वेबसाइट है उस तरह आपका भी कोई वेबसाइट है अमेज़ॉन वाला वेबसाइट डाउन हो गया तो आपके वेबसाइट पर रीच ज़्यादा आएंगे लोग ज़्यादा आएंगे वहाँ पर लोग जो खरीदना चाहते हैं कोई चीज़ जैसे कपड़े खरीदना चाहते हैं और कस्ट्यूम खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन वाला डाउन हो गया तो लोग आपके पास आएंगे तो आपसे ख़रीदारी करेंगे और आपके वेबसाइट का जो सेल होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो इसी तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात करते हैं पॉलिटिकल रीज़न के बारे में। पॉलिटिकल रीज़न का मुराद ये है अगर कोई पॉलिटिशियन का कोई ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं मानता तो वो एक हैकर को स्पॉन्सर कर लेते हैं जैसे कि आप उसे स्टेट स्पॉन्सर हैकर के नाम से भी जानते हो तो उस हैकर को स्पॉन्सर कर लेते हैं तो वाले हैकर डीडोस अटैक करवा देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पर क्योंकि वो पॉलिटिशियन की बात नहीं मानते। और तीसरा मेथड है फ़न के लिए लोग वैसे मजाक या फन क्रिएट करने के लिए डीडोस अटैक करवा देते हैं किसी न किसी वेबसाइट पर तो बहुत किस्म की वेबसाइट लोग साइबर अटैक करवा देते हैं। तो इसकी अब टाइप्स के बारे में जानते हैं कि ये टाइप्स तो चले अमेज़ॉन पर 2020 में 2.3 टेराबाइट्स पर सेकंड का हैक अटैम्प हो गया था डीडोस अटैक करवा दिया गया था उसका जो स्पीड था डीडोस अटैक के बारे में AWS शील्ड के मुताबिक ये एक कंपनी का नाम है 2.3 टेराबाइट्स पर सेकंड की मकदार से रिक्वेस्ट भेजा जा रहा था डेटा भेजा जा रहा था अमेज़ॉन पर जो अमेज़ॉन 2020 में डाउन हो गया था जैसे कि फिर दूसरे वेबसाइट पर लोग जाते थे वहाँ पर खरीदारी करते थे। तो अब बात करते हैं डीडोस अटैक टाइप्स के बारे में कि डीडोस अटैक के कितने टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स करते क्या है। तो डीडोस अटैक के टाइप्स 3 हैं नंबर 1 वॉल्यूम बेस अटैक नंबर 2 प्रोटोकॉल अटैक नंबर 3 एप्लीकेशन लेयर अटैक। हम आज इस वीडियो में 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इसके टाइप्स और भी हैं तो हम आज 3 पढ़ लेते हैं बाद में अगर वक्त हुआ तो पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम बेस अटैक्स एक टारगेट नेटवर्क जो भी नेटवर्क टारगेट किया होता है उसको बैंडविड्थ हैवी वॉल्यूम ट्रैफिक के जरिए से हम उसे डाउन करवा दे देते हैं जैसे पिंग ICMP फ्लूट के जरिए से। हम बहुत डिप्स में भी नहीं जाते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्रोटोकॉल अटैक नंबर 2 प्रोटोकॉल अटैक एक नेटवर्क किंग जो है टारगेट द नेटवर्किंग लेयर जो नेटवर्किंग के लेयर है उसे टारगेट कर लेते हैं और टारगेट डिवाइसेस और प्रोटोकॉल फोकस करते हैं एक्सप्लोइटिंग फायरवॉल जो होता है वो अगर किसी भी डिवाइस को आप हैक कर लेते हो तो लोगों ने फायरवॉल लगाया होता है। फायरवॉल अगर आप किसी सिस्टम को हैक करते हो तो उससे पहले आप लोगों ने फायरवॉल को हैक करना पड़ेगा तब जाके आप एक सोर्स को डाउन कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल अटैक फायरवॉल को डाउन करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 एप्लीकेशन लेयर अटैक ये वेबसाइट या एप्लीकेशन को डाउन कर देते हैं फोकस करते हैं क्रैशिंग द वेब सर्वर को क्रैश करने के लिए और जितने भी ये बहुत साइलेंटली और छोटे मेदार में किया जाता है HTTP पर जैसे कि वो और किस्म के किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको डीडोस अटैक के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कोई
किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, टेक्निकल इंतज़ार चैनल, जैसे कि आप देख रहे हो इंतज़ार चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।